वीडियो का डिस्क्रिप्शन से कॉइन मास्टर एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद प्लस के आइकन पर क्लिक करना है, 9:16 का रेशियो सेलेक्ट कर लेना है। मीडिया पे आना है और आपने जो वीडियो शूट कर रखे उस वीडियो को सिंपल सेलेक्ट कर लेना है। वीडियो सेलेक्ट करने के बाद वीडियो क्लियर पर क्लिक करेंगे और सबसे पहले आपको ओरिजिनल साउंड को म्यूट करना है। वीडियो क्लियर पर क्लिक करेंगे, वीडियो मेरा रॉन्ग साइड शूट किया गया है तो सबसे पहले हम इसे रोटेट कर लेते हैं। तो मैंने वीडियो को रोटेट कर दिया हूँ, इसके बाद डन करना है। डन करने के बाद वीडियो को आपको देखना है हमारा वीडियो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो मैंने फर्स्ट पार्ट का वीडियो कहाँ से स्टार्ट किया हूँ वो सबसे पहले हमें देखना है। देख सकते वीडियो हमारा फर्स्ट पार्ट का 44 सेकेंड से स्टार्ट हो रहा है। वीडियो क्लियर पर क्लिक करेंगे, कैंची के निशान पर क्लिक करेंगे और लेफ्ट साइड का पार्ट जो एक्स्ट्रा है उसे हम ट्रिम टू लेफ्ट और प्ले हिट कर देंगे। तो मैं वीडियो को प्ले कर दिखाता हूँ। तो मैंने फर्स्ट पार्ट का वीडियो कुछ इस तरह से शूट किया था, तो आपको भी सेम इसी प्रकार से वीडियो को शूट कर लेना है। सिंपल आपको एक ही स्थान पे खड़ा रहना है 10 से 12 सेकेंड और कुछ इस तरह से लास्ट में पैर से कुछ इस तरह से आपको एक्टिंग करना है। और इसके बाद 4 से 5 सेकेंड खड़ा हो जाना इसी साइड, जैसा कि आप देख सकते हैं। इसके बाद वीडियो क्लियर पर क्लिक करेंगे, कैची के निशान पर क्लिक करेंगे, स्पीड 2 प्ले हिट कर देंगे। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट पार्ट का वीडियो कुछ इस तरह से शूट हुआ है और सेकेंड पार्ट का वीडियो हमें किस तरह से शूट किया हो वो मैं आपको दिखा देता हूँ। और हमारा सेकेंड पार्ट का वीडियो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। वीडियो क्लियर पर क्लिक करेंगे, कैची के निशान पर क्लिक करेंगे और ट्रिम टू लेफ्ट कर लेंगे। तो मैं आपको प्ले करता हूँ। तो सेकेंड पार्ट का वीडियो आपको कुछ इस तरह से चलकर आना है। आपको ध्यान रखना है जो फर्स्ट पार्ट में वीडियो में जो आप यहाँ पर खड़ा था इससे पहले ही आपको रहना है। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने ईंट डाल दिया था इसीलिए, क्योंकि इस साइड हमें नहीं आना है, नहीं तो वीडियो एडिट करने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकता है। इसके बाद नेक्स्ट करेंगे तो हमें कुछ इस तरह से एक्ट करना है। तो मैंने सेम उसी प्रकार किया था और इसके बाद जैसे ही हम पैर मारते हैं तो उस तरह से गिरने का आपको एक्टिंग करना है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो हमारा फर्स्ट पार्ट का वीडियो यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद स्पीड टू प्ले हिट करते हैं और कुछ इस तरह से मैंने गिरने का एक्टिंग किया हूँ। तो आपको भी कुछ इस तरह से कर लेना, जैसे कि हम पैर मारते हैं तो हमें गिरने का एक्टिंग करना है। तो आपको वो सीन देखना है कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ से हमारा स्टार्ट हो रहा है। वीडियो क्लियर पर क्लिक करेंगे, कैची के निशान पर क्लिक करेंगे और लेफ्ट साइड का पार्ट जो एक्स्ट्रा है ट्रिम टू लेफ्ट करेंगे और राइट साइड का पार्ट जो एक्स्ट्रा है उसे हम ट्रिम टू राइट करेंगे। इसके बाद आपको क्या करना है, और ए पार्ट और ए पार्ट जो सेकेंड पार्ट का दोनों है इस पार्ट को सबसे पहले आपको एक्सपोर्ट कर लेना है। तो ये जो फर्स्ट वाले पार्ट है इस पार्ट को आपको डिलीट करना है और इस पार्ट को आपको एक्सपोर्ट कर लेना है। तो मैंने ऑलरेडी एक्सपोर्ट कर चुका हूँ। तो इसके लिए करना क्या है, शेयर पे क्लिक करेंगे, HD 720p और 30 सेलेक्ट करने के बाद वीडियो को एक्सपोर्ट कर देना है। इसके बाद इसे हम बैक करते हैं। इसके बाद मीडिया पे आना है और फर्स्ट पार्ट का वीडियो को सेलेक्ट कर लेना है। तो मैंने फर्स्ट पार्ट का वीडियो को सेलेक्ट कर लिया हूँ। इसके बाद लेयर पे आना है, मीडिया पे आना है और जिस वीडियो को अभी फ़िलहाल में एक्सपोर्ट किए थे उस वीडियो को सिंपल सेलेक्ट कर लेना है। तो मैंने यहाँ पे वीडियो को सेलेक्ट कर लिया हूँ। सेलेक्ट करने के बाद आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको सेट करना है वीडियो, काफ़ी ध्यान से यहाँ पे आपको एडजस्ट करना होगा। जैसे कि आपको मैं दिखाता हूँ, जैसे कि पैर मारे यहाँ पे आपको गिरने का एक्टिंग कर रहे हो, ठीक है। यहाँ पर ध्यान रखना है यहीं पे हमें स्पीड टू प्ले हिट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले स्पीड टू प्ले हिट इस पार्ट को करते हैं और इस पार्ट को हमें सही से एडजस्ट आपको करना होगा। तो इस पार्ट में कुछ स्टार्टिंग का पार्ट हमें एक्स्ट्रा लग रहा था, इसे हम ट्रिम टू लेफ्ट करते हैं। वीडियो को प्रेस करेंगे, लास्ट पॉइंट पे लेकर आना है। इस पार्ट को सबसे पहले हम हल्का छोटा कर साइड में एडजस्ट करते हैं और सेकेंड पार्ट का जो सबसे पहले एडिट करके दिखाता हूँ। इसको एडिट कैसे करना है, सिंपल स्क्रीन पे करेंगे, फुल स्क्रीन पे करना है और इधर से आपको कुछ इस तरह से हाफ कर देना है। और आपको जो से ये देख सकते हैं मैंने कुछ ईंट डाला था निशान के लिए, तो आपको भी कुछ इस तरह से एडजस्ट कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे आपको एडजस्ट करना है, ठीक है। इसके बाद डन करते हैं। तो आप देख रहे हैं जैसे कि हम पैर मारेंगे तो हमें कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर मैंने पैर मार रहा हूँ लेकिन हम यहाँ पर गिर पहले जा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर यही ध्यान रखना है, तो आपको यहाँ पर एडजस्ट करना है काफ़ी ध्यान से, ठीक है। तो इसे हम थोड़ा पीछे करते हैं। अब देखते हैं कुछ इस तरह से आए, गिर चुका हूँ पहले, तो फिर से हम इसे पीछे करते हैं हल्का। इसके बाद देखना यहाँ पे लगभग मेरा एडजस्ट हो गया लग रहा है, जैसे कि सिंपल पैर मारा गिर गया, तो यहाँ पे एडजस्ट नहीं हुआ है। तो आगे पीछे करके आपको एडजस्ट कर लेना, ठीक है, ध्यान रात को। इसके बाद इस वीडियो को प्रेस करेंगे और लास्ट पॉइंट पर लेकर आ जाना, इस वीडियो के जस्ट सामने। सिंपल वीडियो को प्रेस करेंगे, आपको जिस लाइनिंग के सामने एडजस्ट करना है। अब वीडियो जब प्ले करेंगे तो आपका वीडियो कुछ इस तरह से देखने को मिल जाएंगे, देखता आता हूँ मैं। इस वीडियो को क्लिक करेंगे, स्क्रीन पे क्लिक करेंगे, फुल स्क्रीन पे क्लिक करेंगे, इधर से आपको हाफ कर देना है और आपको यहाँ पर एडजस्ट करना है, ठीक है, ध्यान रखना है। इसका डन करते हैं। इसके बाद हम वीडियो प्ले कर देखते हैं। नेक्स्ट, तो आप देख सकते हैं जैसे कि लग रहा है हम इसने पैर मारे
और कुछ इस तरह से भाई ने इसने गिर चुका है। ठीक है, आपको आगे पीछे हल्का लग रहा है, एडजस्ट नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर एडजस्ट आप कर लेना आगे पीछे कर कर। मेन सीन यहीं पे है, जो आपको यहाँ पे मैच हो जाएगा लगेगा कि हाँ ओरिजिनल वीडियो है। ठीक है, इसके बाद इस पर क्लिक करेंगे, लेकिन आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, जैसे कि हम यहाँ पे मारते हैं तो यहाँ पे लग रहा है किसे हम मार रहे हैं और यहाँ पे पता चल जा रहा है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, लेयर पे आना है, मीडिया पे आना है, और यहाँ पे आपको बैकग्राउंड पे क्लिक करना है, और यहाँ पे आपको एक फ़िल्टर को सेलेक्ट कर लेना है। वाइट कलर का मैंने सेलेक्ट कर लिया, और कुछ इस तरह से आपको लास्ट कर देना बिल्कुल। इसके बाद इस पर क्लिक करेंगे, आउट एनिमेशन में आना है, यहाँ पर आपको फ़िल्टर देना है, जैसे कि आपको जैसे कि पैर लगेगा यहाँ पे तो आपको कुछ इस तरह से वाइट कलर हो जाएगा, तो यहाँ पे पता नहीं चलेगा। लास्ट पॉइंट के जो एक्स्ट्रा पार्ट है, एक्स्ट्रा पार्ट को ट्रिम टू राइट कर देंगे। अब मैं आपको वीडियो को प्ले कर दिखाता हूँ सिंपल। तो फाइनली हमारा वीडियो यहाँ पे एडिट हो चुका है, तो आपका वीडियो कुछ इस तरह से देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है, आपको स्टार्टिंग है कुछ पार्ट एक्स्ट्रा है, या फिर लेफ्ट का या फिर राइट का जो भी पार्ट एक्स्ट्रा है, वीडियो क्लिप पे क्लिक करेंगे, कैची के निशान पे क्लिक करेंगे, स्पीड टू प्ले हिट करेंगे और इस पार्ट को डिलीट कर देंगे। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है, अगर स्काई का कलर चेंज करना है, लेयर पे आना है, मीडिया पे आना है। मैंने एक स्काई कलर का डाउनलोड कर रखा है गूगल क्रोम से, तो आपको भी कुछ इस तरह से डाउनलोड करना है, और इसे आपको कुछ इस तरह से एडजस्ट कर देना है, और यहाँ पर ब्लेंडिंग पे आना है, यहाँ पर ओवरले हो गया, मल्टीप्ले हो गया, तो ओवरले मैं यहाँ पर सेलेक्ट करते ओपेसिटी के कम करके एडजस्ट कर देता हूँ। इसके बाद इसे हमें फुल साइज कर देना है। अब हमारा वीडियो देखना कुछ इस तरह से देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद क्या करना है, लेयर पे आना है, मीडिया पे आना है, डाउनलोड पे क्लिक करेंगे। मैंने एक फ्लाइट का PNG डाउनलोड कर रखा हूँ कुछ इस तरह से, तो आपको भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा लिंक। इसके बाद कुछ इस तरह से आपको रोटेट कर एडजस्ट कर लेना है। ठीक है, ऐसे आपको कुछ इस तरह से फुल साइज कर देना है, और थोड़ा सा हल्का आगे आना है, की पे क्लिक करना है, और इसके लास्ट पॉइंट में आपको आ जाना है यहाँ पे, और आपको इसको कुछ इस तरह से यहाँ तक एडजस्ट कर देना है। ठीक है, जब आप फाइनली प्ले करेंगे तो आपका वीडियो देखने में कुछ इस तरह से लगेगा, जैसे कि फ्लाइट ऊपर से जा रहा है और काफ़ी बेहतरीन भी लग रहा है। इसके बाद आपको क्या करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आपको साउंड ऐड करना है, लेयर पे आना है, मीडिया पे आना है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक साउंड लिंक भी दे चुका हूँ, सिंपल वीडियो क्लिक करेंगे, कैंची के निशान पर क्लिक करेंगे, इस ट्रैक ऑडियो कर देना है, वीडियो पर क्लिक करेंगे, डिलीट करेंगे, तो यहाँ पर देख सकते हैं ऑडियो नीचे आ चुका है। सेटिंग पर क्लिक करेंगे, ऑडियो फेड आउट ऑफ करने हैं। इसके बाद शेयर पर क्लिक करेंगे, HD 720p और 30 सेलेक्ट करने के बाद वीडियो को एक्सपोर्ट कर देना है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक साउंड लिंक भी दे चुका हूँ, उसी वीडियो के साउंड पर वीडियो को अपलोड कर देना है। और फाइनली हमारा वीडियो तैयार हो चुका है।